पुरुष हॉकी फाइव्स एशिया कप में एशिया की टॉप टीमें एक दूसरे का सामना कर रही थी। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ। इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीतकर कप अपने नाम कर लिया। ये इस टूर्नामेंट के तीन मुकाबलों में पहली बार भारतीय टीम की जीत थी। भारत ने चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रोमांचक शूटआउट में 2-0 से हरा कर पहला हॉकी पांच एशिया कप अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय तक स्कोर 4-4 से बराबर था। इस जीत के साथ ही भारत ने FIH हॉकी पांच विश्व कप 2024 में भी प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए मोहम्मद राहिल 19वां और 26वां, जुगराज सिंह 7वां और मनिंदर सिंह 10वां मिनट ने निर्धारित समय में गोल दागे। वहीं गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह ने शूटआउट में गोल की। पाकिस्तान के लिए निर्धारित समय में अब्दुल रहमान 5वां, कप्तान अब्दुल राणा 13वां, जकरिया हयात 14वां और अरशद लियाकत 19वां ने गोल दागे। इससे पहले भारत ने शनिवार को ही सेमीफाइनल में मलेशिया को 10-4 से रौंद कर फाइनल में प्रवेश किया था। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में ओमान को 7-3 से हरा कर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत को टूर्नामेंट के एलीट पुल चरण के मैच में पाकिस्तान से 4-5 से हार मिली। भारत की ओर से सेमीफाइनल में मोहम्मद रामिद 90वें, 24वें, 28वें मिनट, मनिंदर सिंह 2वें मिनट, पवन राजबार 13वें मिनट, सुखविंदर 21वें मिनट, दीपसन तिर्की 22वें मिनट, जुगराज सिंह 23वें मिनट और गुरजोत सिंह 29वें मिनट ने गोल दागे। वहीं मलेशिया के लिए कप्तान इस्माइल आसिया अपू 4वें मिनट, हक इमुल्लाह अनवर 19वें मिनट, मोहम्मद दिन 19वें मिनट पर गोल किए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जाकर जरूर दें। धन्यवाद।